तो यार आज हमारी माई जीएम मोड का सीजन एंड होगा। तो पिछली बार हमारा ट्रेडिशनल प्रॉब्लम वापस हो गया चैनल पर, यानी कि मैंने कुछ वीक्स खेले पर उसको मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, जिस वजह से हम सीधे वीक नंबर 25 पर आ चुके हैं जो होने वाला है हमारा सीजन फिनाले। और इसके बाद एक नया ड्राफ्ट होने वाला है जिसमें हम नए सुपरस्टार्स को ड्राफ्ट करेंगे, बट इट्स टाइम फॉर रेसलमेनिया। तो मेन इवेंट में गंथर वर्सेस रिकशे करेंगे जो होगा एक बैकस्टेज ब्रॉल आयरन मैन मैच। चलो आयरन मैन मैच कर लेता हूँ, बहुत अमेजिंग होने वाला है और इसके अंदर हम दो तीन मैच खेलेंगे भी, तो दैट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। आई गेस आयरन मैन काफ़ी बढ़िया मैच होगा, नहीं तो फॉल्स काउंट एनीवेयर भी ठीक ही है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ, यानी कि रेसलमेनिया जैसा स्टेज है तो सबमिशन मैच भी रख सकता हूँ, तो पता नहीं यार मुझे क्या रखना चाहिए। लेट्स गो फॉर द आयरन मैन मैच। मेरे ख्याल से आयरन मैन मैच बहुत ही बेहतर होगा क्योंकि बैक स्टेज ब्रॉल बहुत ज़्यादा महंगा भी है, तो मैं शायद से एक ही बैकस्टेज ब्रॉल अफोर्ड कर पाऊंगा, तो इसको एक आयरन मैन मैच रख देते हैं। और गंथर पिछले 25 हफ्तों से ही हमारा चैंपियन है, यानी कि बहुत बड़ी बात है यार, 25 वीक से लगातार वो चैंपियन है। तो ओपनर के लिए रखेंगे कोडी रोड्स वर्सेस चैड गेबल फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप इन इसको भी एक बढ़िया मैच रखता हूँ, तो इसको एक बैकस्टेज ब्रॉल कर देता हूँ क्योंकि एक बैकस्टेज ब्रॉल तो चाहिए ही है, मतलब उसके बिना पेपर भी अधूरा है। तो अब टैग टीम मैच की बारी आती है, तो मैं मेंस टैग टीम के लिए रखने वाला था पर मेंस टैग टीम की राइवलरी यहाँ पर बड़ी नहीं है, और अगर तुम्हारी राइवलरी अच्छी हो ना तो मैच को रेटिंग्स भी अच्छी मिल जाती है, तो इसको एक टेबल्स मैच में कर देते हैं क्योंकि दैट विल डू नाइस। नहीं तो एक काम करता हूँ, इसको सीधे TLC रख देता हूँ, दैट वुड बी नाइस। नहीं तो हेलिना सेल भी अच्छा ही है क्योंकि भाई रेसलमेनिया पर हेलिना सेल मतलब मज़ा आ जाएगा। जॉन सीना वर्सेस सेथ रॉलिंस इन एक काम करता हूँ, सबमिशन मैच कर देता हूँ क्योंकि सबमिशन मैच में ना बहुत अच्छी रेटिंग मिलती है फॉर सम रीज़न। और एक वुमेंस चैंपियनशिप मैच रख देता हूँ बेकी लिंच वर्सेस मॉमी के बीच में, जो एक नॉर्मल मैच ही रख देते हैं हम लोग क्योंकि हमें पैसे भी बचाने हैं क्योंकि रेसलमेनिया का जो स्टेज है वो काफ़ी महंगा होने वाला है। और मैं यहाँ पर एक बहुत बुरी चीज़ करने वाला हूँ, मैं मतलब ये सीज़न एंड है ना तो हमको पैसे भी चाहिए, तो मैं सभी से एक एडवर्टाइजिंग प्रोमो करवाऊंगा जिसको करने में हमें कॉस्ट तो पड़ेगा नहीं, उल्टा हमें 10,000-11,000 पैसे मिलेंगे, बट हमारी सुपरस्टार्स की पॉपुलैरिटी जो है वो यहाँ पर काफ़ी डिक्रीज हो जाएंगी, जो कि काफ़ी बुरी बात है। पर अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये सीज़न एंड होने वाला है, तो आई गेस इतना तो चल ही जाएगा। सो भाई मैं किससे, एलेनाइट भाई, आई एम सो सॉरी एवरीवन, आई एम सो सॉरी लोगन पॉल, एलेनाइट, जे जिमी उसो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भाई मतलब मुझे ये नहीं करना बट करना पड़ रहा है क्योंकि वी नीड दी मनी। हमारे पास भले ही 4 लाख रुपए है अभी, बट अब ये लॉजिस्टिक्स में जब बुक करूँगा ना तब देखो 4 लाख से सीधे हमारे पास सीधे 90,000 या बहुत कम पैसे बचने वाले हैं यार। मैं जितना हो सकता हूँ उतना इस शो को चीप बनाने की कोशिश करूँगा, पर रेसलमेनिया है यार, ये रेसलमेनिया को हम सस्ते में नहीं निपटा सकते, तो हमको रेसलमेनिया के लिए रेसलमेनिया का ही ये बुक करना होगा। एंड मैंने कह दिया तुमको, देखो सीधे शो का कॉस्ट लिटरली डबल हो गया, पर जितना है उसमें ही कर लेते हैं। सो लेट्स गो फॉर द बैक स्टेज ब्रॉल ओवर हियर। All right, it's time for the match and I'm really excited. यानी कि देखते हैं भाई ये मैच कैसे प्ले आउट होने वाला है। All right, Cody Rhodes और Chad Gable, और Chad Gable आते आते यहाँ पर moves की भरचार कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही है, और ये बैकस्टेज ब्रॉल है यानी कि ये रिंग भी नहीं है, तो नीचे सीधा कॉन्क्रीट है और यहाँ पर बेली सुप्लेक्स दे दिया है Cody Rhodes को कॉन्क्रीट पर। और गाइस कॉन्क्रीट एक्चुअली बहुत ज़ोरदार लगता है, और Chad Gable इस मैच को बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है और Cody Rhodes ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, और Cody Rhodes अब Chad Gable को नीचे की ओर धकेल रहा है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और Cody Rhodes यहाँ पर केंडो और एक और केंडो स्टिक से वार, और Cody Rhodes यहाँ पर केंडो स्टिक्स की भरचार बताते जा रहा है, और ये सर पर मारा और ये एक और मारा और ये ओहो Chad Gable का सर फूटा और Cody ने क्या कर दिया, ओ माय गॉड Cody Rhodes भाई पागल हो गया क्या, मतलब मारो मतलब लोगों को मारो पर ऐसे नहीं मारो, उसकी जान नहीं लेनी है तुमको, तुमको बेल्ट जीतना है Cody, ये क्या कर रहे हो तुम। और यहाँ पर को Chad Gable ने यहाँ पर ब्लॉक कर दिया मूव को, और Chad Gable यहाँ पर क्या करने वाला है, पेडिग्री नहीं, और ये पावर बॉम्ब दे दिया है, और ये कॉन्क्रीट बहुत जोरदार लग रहा है, पता नहीं ये सुपरस्टार्स एक दूसरे को किस तरह की चोट पहुंचाने वाले हैं। और Cody Rhodes यहाँ पर गाड़ी के ऊपर पहुंच गया, पता नहीं इसके दिमाग में क्या है, और ये दे दिया है क्रॉस बॉडी स्लैम। ओके ये काफी खतरनाक चल रहा है मैच, और Chad Gable अब तक जिंदा कैसे है मैं ये सोच रहा हूँ, यानी
कोडी रोड्स ने उसको लिटरली ऊपर से पंखे में डाल दिया था, जो कि सॉरी पंखा भी नहीं था, वो हैलोजन लाइट्स थी, और वो पूरा फूट गया। उसके बावजूद भी चार्ड गेबल अभी भी जिंदा है, और कोडी रोड्स यहाँ पर चार्ड गेबल को पनिश करते जा रहा, पर चार्ड गेबल बैकआउट नहीं कर रहा। चार्ड गेबल इज लाइक, नहीं इस बार तो मैं चैंपियनशिप जीतूंगा, क्योंकि वो मेरा चैंपियनशिप था, मैंने उसे जीता था, पर कोडी ने आके उसे छीन लिया। पर अब चार्ड गेबल अपने यू नो चैंपियनशिप को वापस हासिल करने वाला है, पर कोडी ऐसे ही हारने नहीं वाला, क्योंकि कोडी जो था वो हमारे रॉ का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। यानी कि भली वो WWE चैंपियन नहीं बन पाया अनफॉर्चुनेटली, बट उसने बहुत, और ये चार्ड गेबल जीत गया। चार्ड गेबल विंस विद द सुप्लेक्स। ओ माय गॉड, हमारे पास एक नया चैंपियन है, और ये लेजेंडरी मैच था गाइस, लेजेंडरी मैच, तुम बिलीव कर सकते हो। चार्ड गेबल ने सब कुछ यू नो खोने के बाद भी जीत गया भाई, वो काफी कमाल की बात है। एंड चैड गेबल इज़ अ न्यू WWE यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियन, एंड जियोवानी विंची ने वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट किया, एंड आई एम सॉरी यार, उसकी पॉपुलैरिटी गिर गई। और टैग टीम विनर्स है लिव मॉर्गन एंड अटालिया, जो कि अपनी चैम्पियनशिप को रिटेन कर रहे हैं इन एन अमेजिंग मैच, वो कि नाइस, अच्छी बात है। जिमी उसो, आई एम सॉरी 11,000 मिल गए, पर उसकी पॉपुलैरिटी सीधे नीचे गई। और जॉन सीना वर्सेस सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस इन अ सबमिशन मैच, और बारी है एक बहुत बड़े अमेजिंग मैच के लिए, क्योंकि सबमिशन मैच जो होते हैं वो हमेशा से ही अमेजिंग होते रहे हैं, और इस बार भी मेरे ख्याल से अमेजिंग ही होगा, क्योंकि हमारे पास दो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड सुपरस्टार है यहाँ पर। सबसे पहले सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और द फेस दैट यूज्ड टू रन द प्लेस जॉन सीना, द लेजेंडरी जॉन सीना फिर एक बार वापस आ चुका है, क्योंकि ये रेसलमेनिया सीजन है, और ये लेजेंडरी रन ऑफ जॉन सीना और ये रिंग के अंदर स्लाइड करते हुए, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मैच, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और जॉन सीना और सेथ रॉलिंस जा चुके हैं जंप पर, और जॉन सीना यहाँ पर देने वाले, पर सेथ ने रिवर्स कर दिया। ओके, और सेथ ने यहाँ पर बैक रेक कर दिया, तो वो एक्चुअली दर्द कर रहा है। और सेथ यहाँ पर क्रॉस फेस के लिए, क्रॉस फेस लॉक्ड इन, क्या जॉन सीना आते आते ही टैप आउट करेगा? ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि जॉन सीना का मोटो है नेवर गिव अप। ओके, और जॉन सीना ने यहाँ पर सेथ के पेट पर लात और क्लोथ लाइन के साथ वार कर दिया है, और जॉन सीना यहाँ पर सेथ ने डॉच कर दिया, और सेथ देने वाले हैं, गट पे नी दे दिया, मतलब पेट पर नी दे दिया, वो जोरदार लग रहा है। ओके, और सेथ ने हाथ को डैमेज पहुंचाने शुरू कर दिया है, जॉन सीना यहाँ पर रिवर्स करते हुए, और नहीं, सेथ रॉलिंस, यार वो सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस है, उसको ऐसे ही तुम हरा नहीं सकते। ओके, इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मैच, मुझे लग रहा है। और ये नी टू फेस, अगर तुम्हें याद हो 2015 या 16 के समय भी सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना को ऐसे ही नी टू फेस दिया था, जिस वजह से जॉन सीना की नाक फूट गई थी और उससे खून बह रहा था। तो ओहो, जॉन सीना नए पैदल यूज कर रहे हैं यहाँ पर, हरी की उराना यूज कर रहा है जॉन सीना। ओके, और ये ओके, यहाँ पर गट रेंच पावर बॉम्ब दे दिया है, और ओके, जॉन सीना यहाँ पर कुछ अलग ही प्लान कर रहा है, और जॉन सीना सबमिशन के लिए ओके, क्या सेथ रॉलिंस टैप करने वाला है? नहीं, सेथ रॉलिंस आते आते टैप नहीं करने वाला। ओके, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर सर के पीछे जोर का वार कर दिया है। सेथ रॉलिंस का ये वार एक्चुअली बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है, क्योंकि आपके ब्रेन पर वो डैमेज करता है। और सेथ रॉलिंस फिर एक बार नी टू फेस, इस बार भी लगता है सेथ रॉलिंस जॉन सीना का नाक फोड़ने की ट्राई करने वाला है। ओके, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर क्या करने वाला है? ओके, सेथ रॉलिंस यहाँ पर जॉन सीना को ब्रेन डैमेज देकर ही छोड़ने वाला है आज के दिन। ओके, जॉन सीना वहाँ पर बाहर चला गया है रिकवर करने के लिए, पर सेथ रॉलिंस यहाँ पर डाइविंग क्रॉस बॉडी दे रहा है जॉन सीना को, वो रिकवर देने का टाइम देगा ही नहीं। ओके, जॉन सीना यहाँ पर सेथ के ऊपर चढ़कर सर पर वार पे वार करते जा रहा है, क्योंकि जॉन सीना ने कहा बस हो गया, बहुत हो गया, और जॉन सीना यहाँ पर सेथ को टेबल पर फेंक दिया। सेथ का सर वहाँ पर टेबल पर बहुत जोर का चकराया होगा, और रिंग के अंदर हमारे दोनों सुपरस्टार जॉन सीना के सर पर कुछ अलग ही सवार है, ऊपर टॉप रोप पर सेथ ने रिवर्स करके नीचे गिरा दिया जोरदार। पर यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली तुम पिन नहीं कर सकते, तो मैं सबमिट करना होगा लोगों को, तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। ओके, सेथ रॉलिंस यहाँ पर जॉन सीना को
ड्रॉप्स की और पर जॉन सीना ने रिवर्स कर दिया। ओके 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 ओके, जॉन सीना के दिमाग में क्या है, यहाँ पर फाइव मूव्स ऑफ डूम देने वाले हैं, पर नहीं, सेथ ने रिवर्स कर दिया फिर एक बार, और यहाँ पर मूनसॉल्ट नहीं, जॉन सीना ने रिवर्स कर दिया। रिवर्सल्स पे रिवर्सल्स, मैंने कहा था ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, पर इतना इंटरेस्टिंग होगा मैं नहीं जानता था। और ये जोरदार क्लोथ लाइन दे दिया है और सेथ उठ गया और वापस रिवर्स कर दिया, और सेथ रॉलिंस ये क्या कर रहा है, पर जॉन सीना ने फिर एक बार रिवर्स कर दिया। भाई मैं कह रहा हूँ मेरी सांसों पर लगाम नहीं मिल रही मुझे, और सेथ ने फिर एक बार रिवर्स कर दिया है और ले जा रहा है जॉन सीना को रोप्स के पास। ओके ओके, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, कुछ तो होने वाला है। ओके 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 ओके, मैं देखते मिलने वाला है एक जोरदार बॉडी। ओके, जॉन सीना ड्रिंक के बाहर, सेथ के दिमाग में क्या है, सेथ के दिमाग में एक्चुअली क्या है। ओके ओके, सेथ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। ओके सेथ क्या कर रहे हो तुम। ओके और सेथ गया है और ये डाइविंग क्रॉस बॉडी टेबल पर। ओके ओके ओके, जॉन सीना सीधे जाकर टेबल पर अपट गया। ओके यार, और दो कैनेडो स्टिक सर पर, और जॉन सीना ने रिवर्स कर दिया। ओके, जॉन सीना ने फिर एक बार सेथ रॉलिंस को ही मार दिया। एक और कैनेडो स्टिक का वार, और वार पे वार हो रहा है यहाँ पर। सेथ रॉलिंस का सर फूट चुका है, सेथ रॉलिंस का सर फूट चुका है यहाँ पर, और जॉन सीना कुछ अलग ही प्लान करने वाले हैं यहाँ पर। ओके ओके, जॉन सीना ने इशारा दे दिया है, क्या मैं देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट, पर यहाँ पर पिन नहीं कर सकते तुम जॉन सीना, भूल गए क्या मैच के रूल्स, ये है एक सबमिशन मैच, और जॉन सीना यहाँ पर सेथ रॉलिंस के ऊपर सबमिशन मूव दे रहे हैं। क्या सेथ रॉलिंस एक एटीट्यूड एडजस्टमेंट खाने के बाद और उसके ऊपर एक सबमिशन मूव खाने के बाद फाइनली टैप आउट करने वाला है। नहीं, सेथ तुम नहीं कर सकते। ओके ओके, और सेथ रॉलिंस ने रिवर्स कर दिया है। सेथ रॉलिंस एक मल्टी टाइम यूनिवर्सल चैंपियन है, एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है, उसको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, एंड सेम गोज फॉर सीना। ये लोग ऐसे लोग हैं जो भले ही तुम इन पर कितने भी वार करो, पर ऐसे ही ये लोग हारने नहीं वाले, और जॉन सीना ने वहां पर क्रॉस बॉडी दे दिया है। जॉन सीना कहते हुए, अगर सेथ तुम ये कर सकते हो तो मैं यहाँ का पुराना खिलाड़ी हूँ, मैं तो ये सब कुछ ही कर सकता हूँ। ओके, दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, न्यू एरा वर्सेस ओल्ड एरा, और हम देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों ही सुपरस्टार्स एक दूसरे को बहुत ही ज्यादा डैमेज करती हुई, और जॉन सीना ने बेहद दिया है सेथ रॉलिंस को। क्या फाइनली सेथ रॉलिंस यहाँ पर टैप आउट करेगा, सेथ पूरी कोशिश कर रहा है टैप आउट नहीं करने की, सेथ अपनी पूरी जान लगा रहा है वहां पर, एंड सेम गोज फॉर जॉन सीना, दोनों ही सुपरस्टार्स जान लगा रहे हैं, और सेथ रॉलिंस ने यहाँ पर सर के पीछे एल्बो दे दिया है। और अगर तुम भूल गए तो सेथ ने पहले ही सीना के सर पर बहुत ही ज्यादा पहले से ही टारगेट वो कर रहा था, सो इस वजह से जॉन सीना का सर जो है वो, और सेथ ने जॉन सीना को यहाँ पर उसका ही मूव दे दिया है, एटीट्यूड एडजस्टमेंट टू द एटीट्यूड सुपरस्टार, और सेथ रॉलिंस यहाँ पर जॉन सीना का ही पैतरा, जॉन सीना पर ही ट्राई कर रहे हैं। क्या जॉन सीना फाइनली यहाँ पर टैप आउट करेगा। जॉन सीना ने ये सोचा नहीं होगा कि सेथ उसको उसका ही मूव दे देगा, क्या नेवर गिव अप पहली बार गिव अप करेगा यहाँ पर, नहीं, और जॉन सीना अभी भी जिंदा है इस मैच के अंदर, और जॉन सीना अपना एसटीएफ दे रहे हैं सेथ रॉलिंस को। ओके ओके, ये काफी इंटरेस्टिंग मैच हो चुका है यहाँ पर, एसटीएफ टू सेथ रॉलिंस, और सेथ रॉलिंस फाइनली टैप करने वाला है। नहीं, सेथ ने रेजिलिएंसी यूज कर दी यहाँ पर। ओके ओके, सेथ गिव अप बिल्कुल नहीं करने वाला, आज सेथ भी जॉन सीना को नेवर गिव अप का मजा चखाने वाला है, जो कि बहुत अमेजिंग बात है। और ये स्लिंग ब्लेड, ये दोनों सुपरस्टार्स आज लिटरली जंग पर जा रहे हैं, और रेसलमेनिया है ही ऐसा स्टेज जहां पर लोग जंग पर जाने वाले हैं, और ये जोरदार क्लोथ लाइन दे दिया है सेथ रॉलिंस को, और जॉन सीना भी पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि ये दोनों सुपरस्टार्स ने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है। और ये फाइव मूव्स ऑफ डूम फिर एक बार दोबारा देने की कोशिश, पर सेथ ने दोबारा रिवर्स कर दिया है। ओके, सेथ रॉलिंस दोबारा कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। ओके, सेथ रॉलिंस ने फिर एक बार सबमिशन देने की कोशिश की है, सेथ हार ही नहीं मान रहा, और शायद से ये जॉन सीना अभी टैप आउट करने वाला है, क्योंकि दिस इज गॉट टू बी इट। जॉन सीना और कितना ही सह पाएगा, रेजिलियंसी अभी भी जॉन सीना ने यूज किया नहीं है, तो शायद से ये मोमेंट हो सकता है कि जॉन सीना रेजिलियंसी यूज करे, पर ऐसा लग रहा नहीं है। और जॉन सीना फाइनली टैप आउट करने वाला है, और नहीं, जॉन सीना ने अभी भी टैप आउट नहीं किया, और कहां पर हाथ फेर रहे हो जॉन सीना, कौन है वहां पर। ओके, सेथ ने एक और स्लिंग ब्लेड दे दिया है,
और जॉन सीना रिकवर करने के लिए फिर एक बार रिंग के बाहर जा चुके हैं, पर सेथ रॉलिंस भी और सेथ रॉलिंस फिर एक बार क्रॉस बॉडी के लिए, पर जॉन सीना ने इस बार डॉज कर दिया। सेथ रॉलिंस के मूव को जॉन सीना इस बार समझ गए और सेथ ने यहाँ पर रिवर्सल कर दिया है। ओके और सेथ रॉलिंस क्रॉस बॉडी ओके क्रॉस फेस देते हुए और जॉन सीना की शक्ल पर स्ट्रगल हम देख सकते हैं। क्या फाइनली ये मोमेंट होगा कि जॉन सीना यहाँ पर टैप आउट करेंगे? और सबमिशन मैच का के रूल्स ये है, अगर तुम कहीं भी टैप आउट करो तो तुम जीत जाते हो। तो क्या सेथ रॉलिंस यहाँ पर फाइनली जॉन सीना को हराएगा? एंड दिस एक्चुअली लुक्स बैड और जॉन सीना इससे लड़ते हुए झगड़ते हुए और जॉन सीना ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है। इट्स एक्चुअली अनबिलीवेबल यार, ये दोनों सुपरस्टार्स किस लेंथ तक जाएंगे मैं नहीं जानता। जॉन सीना भाई अपने करियर को संभालो यार, इट्स इनफ। अगर हार भी गए तो चलेगा यार, पर ऐसे मत करो, मूवीज भी बनानी है तुमको। सेथ रॉलिंस ने पहले भी कहा था कि वो जॉन सीना को इतना मारेगा कि जॉन सीना हॉलीवुड में काम करने के लायक नहीं रहेगा, और जॉन सीना यहाँ पर बैकआउट ही नहीं कर रहा यार। जॉन सीना रेसलिंग ठीक है अच्छे कर लेते हो, पर यार अभी करियर पर फोकस करो। यहाँ पर सबमिशन मैच में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पुर्जे अलग हो जाए। और जॉन सीना पर हार नहीं मानेगा ना, उसका मोटो ही है नेवर गिव अप, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट। और जॉन सीना यहाँ पर कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। ओके हमें क्या देखने को मिलने वाला है यहाँ पर? ओके जॉन सीना ने सेथ को उठा दिया है और सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस गया है थ्रू द टेबल। ये बहुत ही खतरनाक मैच होने वाला है, और काश ये एक नॉर्मल मैच होता, क्योंकि अगर ये होता तो सेथ रॉलिंस यहाँ पर पिन होकर हार जाने वाला था, पर ये नॉर्मल मैच नहीं है। यहाँ पर तुम्हें ओपोनेंट को सबमिट करना ही होगा, और जॉन सीना ने सेथ रॉलिंस को रिंग के अंदर डाल दिया है। एंड दिस कुड बी एंड, नहीं, सेथ अभी भी जिंदा है और ड्रॉप किक दे दिया है जॉन सीना को। मैं नहीं जानता अब क्या होने वाला है, मैं लिटरली नहीं जानता। मुझे लगा था कि ये मोमेंट होने वाला है कि जॉन सीना फाइनली जीतेगा, पर नहीं, सेथ टेबल के थ्रू गुजर चुका है। जॉन सीना सबमिशन पे सबमिशन झेल चुका है, और जॉन सीना को खुद का एटीट्यूड एडजस्टमेंट लग चुका है, पर फिर भी ये दोनों सुपरस्टार्स अभी भी हार मानने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और जॉन सीना ने यहाँ पर सेथ रॉलिंस को ओके या कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, कुछ तो बड़ा होने वाला है गाइज, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ। ओके जॉन सीना अभी गुस्से में आ चुके हैं। जॉन सीना इज लाइक अब बहुत हो गया, और हमें टॉप रोप से एटीट्यूड एडजस्टमेंट देखने को मिलने वाला है। और जॉन सीना यहाँ पर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस को टॉप रोप से एटीट्यूड एडजस्टमेंट लगा चुके हैं। एंड दिस कुड बी दी एंड फॉर सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस, और जॉन सीना एसटीएफ के लिए जा चुका है, और जो सेथ रॉलिंस फाइनली टैप आउट कर चुका है, यानी कि अभी इससे और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे हम। और ये दोनों सुपरस्टार्स ने अपनी जान लगा दी इस स्टेज पर, आग लगा दी, बट द विनर इज दी हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, नेवर गिव अप जॉन सीना। और ये बहुत बेहतरीन मैच था यार, बहुत बेहतरीन मैच था, मज़ा आ गया। यानी कि इसे कहते हैं एक रसलमेनिया मोमेंट, क्योंकि यार ये बहुत ज़बरदस्त मैच था। यानी कि तुमने सब कुछ देखा यहाँ पर, इन दोनों ने तो जान लगा दी लिटरली, और विनर है जॉन सीना इन एन अमेजिंग मैच, जो कि काफ़ी अच्छी बात थी। और लोगन पॉल यहाँ पर एक्सीलेंट एडवर्टाइजिंग करते हुए बहुत पैसे कम हो गए। एंड इट्स टाइम फॉर वुमेन्स चैंपियनशिप मैच, टाइम हो चुका है वुमेन्स चैंपियनशिप मैच का, और रिंग में आते हुए दी मैन बेगेलिन, जिसके हस्बैंड अब कुछ ही समय पहले हार चुके थे, तो क्या उसके हस्बैंड के हार का बदला बेगेलिन जीत कर दिखाएगी? और दी वुमेन्स चैंपियन रिया ब्लडी रेफरी, जो कि हमारी मॉमी भी है, मतलब मसल मॉमी, तो इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग मैच तो मैं कह सकता हूँ। और ये चैंपियनशिप मैच के लिए बेकी लिंच, जिस पर क्राउड का रिएक्शन बहुत अच्छा है, क्योंकि शी इज दी मैन, और हमारी चैंपियन रिया रिप्ली, जिस पर क्राउड का रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि रिया रिप्ली इज दी हॉटेस्ट सुपरस्टार अराउंड अभी के टाइम पर। हॉटेस्ट मेरा मतलब है क्राउड के बीच में, मतलब क्राउड को पसंद है ऐसी, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जजमेंट डे ने रिया रिप्ली के करियर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। एंड आज हम देखेंगे क्या 25 हफ्तों बाद रिया रिप्ली हारेगी या नहीं, क्योंकि 25 हफ्तों से ही गंतर और रिया रिप्ली दोनों ही हमारे चैंपियंस हैं, और बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट चैंपियन है कोरा जेड। इसके बाद और बहुत सारे लोग आए थे रिया रिप्ली से उनकी चैंपियनशिप लेने के लिए, पर रिया रिप्ली ने सबको ही हरा दिया है। चार्लेट फ्लेयर सबको हरा दिया रिया रिप्ली ने। एंड द मैच बिगिंस, ओके ये
रिपी को, और रिया रिपली ने यहाँ पर अटैक करने की कोशिश की है, पर बेकी लिंच ने यहाँ पर उनको रिवर्स कर दिया, रोप्स के बीच में पहुंचा दिया और ये टेक डाउन कर दिया है। ओके ओके, और रिया रिपली उठते हुए और बेकी लिंच यहाँ पर सबमिशन लॉक, नहीं कुछ और ही, और हमें रिवर्स वाइट नॉइज देखने को मिल गया है यहाँ पर। रिया रिपली को बहुत जोरदार डैमेज, बेकी लिंच ने शायद से आज ठान लिया है कि रिया रिपली को मूव्स मारने ही नहीं देगी, क्योंकि और ये बेकी लिंच ने एसटीएफ दे दिया है रिया रिपली को, पर रोप ब्रेक के कारण ये टूट गया। और बेकी लिंच आज शायद से कुछ मूड बना के आई है कि रिया रिपली को मारने दो ही मत, जितना हो सके रिया रिपली को मारो, क्योंकि दैट्स दी ओनली वे तुम रिया रिपली को हरा सकते हो वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और राव स्टेप्स पर फेंक दिया है बेकी लिंच को, क्योंकि मॉमी लाइक्स टू प्ले डर्टी, तो रिया रिपली इज द हील ओवर हियर, और रिया रिपली यहाँ पर फिर एक बार बेकी लिंच को रेसलमेनिया के साइन पर ही पटक रही है। ओके, पांचवा काउंट है, क्या बेकी लिंच अंदर आ पाएगी? यस शी डज, और ये रिया रिपली ने जोरदार मार दे दिया है बेकी लिंच को। ओके, और रिया रिपली यहाँ पर बैकआउट बिल्कुल नहीं कर रही है, और रिया रिपली ने बेकी लिंच को उठा दिया है, और ये सुप्लेक्स, ओ रिया रिपली यहाँ पर अपनी ताकत दिखा रही है, देखो गाइज इतनी ज्यादा ताकत, और ये जोरदार सुप्लेक्स दे दिया है बेकी लिंच को, पर बेकी लिंच उठ गई, और रिया रिपली को ये हम क्या देख रहे हैं? ओके, रिवर्स डीडीटी दे दिया है बेकी लिंच ने रिया रिपली को। ये मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, क्योंकि ये दोनों ही टॉप कैलिबर के सुपरस्टार्स हैं, यानी कि जैसे ही हमने पिछला मैच देखा था जॉन सीना और सेथ रॉलिंस का, और वैसे ही ये मैच है। और रिया रिपली गोज फॉर द पिन, 1-2, और बेकी लिंच किक आउट। ओके, वो बिग बूट एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त था, और रिया रिपली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल सुपरस्टार है, यानी कि किसने सोचा था कि रिया रिपली यहाँ पर WWE के अंदर इतना बड़ा नाम बनाने वाली है खुद का। एंड रिया रिपली यहाँ पर सबमिशन लॉक के लिए जा चुकी है, पर बेकी लिंच ने यहाँ पर इसे रिवर्स कर दिया, बेकी लिंच अब रिया रिपली को अपनी ताकत दिखाते हुए, और बेकी लिंच ने ये रिवर्सल तोड़ दिया है। ओके, हम बेकी लिंच को दी मैन ऐसे ही नहीं कहते, मल्टी टाइम वुमेन्स चैंपियन रॉ और स्मैकडाउन और टैग टीम चैंपियन भी बन चुकी है वो, तो रिया रिपली ने यहाँ पर जबरदस्त बिग बूट दे दिया है। ओके, और रिया रिपली यहाँ पर फिर एक बार आयरिश व्हिप टू द कॉर्नर। ओके, यहाँ पर कुछ जबरदस्त होगा, पर बेकी लिंच ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, और बेकी लिंच ने रिया रिपली को टॉप रोप पर पहुंचा दिया है। क्या बेकी लिंच के दिमाग में कुछ चल रहा है इस वक्त? और बेकी लिंच रिया रिपली को तीसरे रोप से सुप्लेक्स दे दिया है रिया रिपली को, और शायद से ये मोमेंट हो सकता है कि बेकी लिंच फाइनली रॉ वुमेन्स चैंपियन बन सकती है, क्योंकि रिया रिपली नॉर्मली लोगों को टॉप रोप से फेंकती है, पर इस बार उल्टा ही हो गया, इस बार रिया रिपली को टॉप रोप से फेंका गया, और बेकी लिंच ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया है और दोबारा कॉर्नर पर फेंक दिया, पर रिया रिपली ने यहाँ पर इस बार रिवर्स कर दिया। ओके, और बेकी लिंच ने ड्रॉप किक लगा दिया है रिया रिपली को, एंड could this be the moment? क्या हमें नई वुमेन्स चैंपियनशिप मिलने वाली है? पर नहीं, रिया रिपली किक्स आउट। रिया रिपली इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली, और बेकी लिंच गो फॉर द आर्म बार। ओके, ये सबमिशन लॉक बेकी लिंच का स्पेशल मूव है। क्या रिया रिपली टैप आउट करेगी? नहीं, रिया रिपली ने टैप आउट नहीं कर दिया, पर बेकी लिंच को धक्का दे दिया वहां पर। ओके, बेकी लिंच फिर एक बार, नहीं, रिया रिपली ने रिवर्स कर दिया है, एंड इट्स टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक चेयर। यहां पर नहीं, ग्लैमाजोन दे दिया है बेकी लिंच को वहां पर। रिया रिपली ने एच की वाइफ बेथ फीनिक्स को हरा दिया था, एंड इट्स टाइम फॉर द रिपटाइड, और ये मैच यहाँ पर खत्म हो चुका है। गुड नाइट बेकी लिंच, पर नहीं, रोप ब्रेक के कारण बेकी लिंच सर्वाइव्स। रिया रिपली को ध्यान देना होगा इस मैच में, और ये एक्सपीरियंस की बात है, बेकी लिंच काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है इस पूरे मैच में, उसको पता है रेसलमेनिया में किस तरह का प्रेशर होता है और किस तरह की परफॉर्मेंस तुम्हें देनी पड़ती है, पर रिया रिपली का ये पहला रेसलमेनिया है, मतलब हमारे यूनिवर्स में, तो ऊपर से ये सिर्फ 25 साल की है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी टफ। और यहाँ पर क्रॉस बार दे दिया है, पर नहीं, रिया रिपली ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया। ऐसे ये दोनों सुपरस्टार्स अपनी जान लगा रहे हैं, रिया रिपली अपनी लेगेसी को बचाते हुए, क्योंकि उसका कहना है कि 25 हफ्तों से वो चैंपियन रही है, तो ऐसे ही उसे हारना नहीं है। और बेकी लिंच यहाँ पर रिया रिपली को सबक सिखाते हुए, क्योंकि रिया रिपली ने बेकी लिंच किया जीना जो है वो हमारे जीएम मोड में बहुत खराब कर दिया। एंड मैन हैंडल स्लैम देखने को मिल चुका है, एंड हमें शायद से हमारी फाइनली नई वुमेन्स रॉ चैंपियन देखने को मिलने वाली है, एंड इट्स टाइम, इट्स ओवर, 1-2,
और नहीं रिया रिप्ली सर्वाइव्स। ओके, और रिया रिप्ली ने बाबर बेकी लिंच को नीचे गिरने के लिए दे दिया। बेकी लिंच उस पर डाइविंग बॉडी देने वाली थी, पर रिया रिप्ली वाज लाइक नहीं आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, और बेकी लिंच को यहाँ पर डाल दिया है रिंग के अंदर। ओके कुछ तो गड़बड़ होने वाला है यहाँ पर। और रिया रिप्ली ने बेकी लिंच को उसी का मूव दे दिया है। गाइस, वी कैन सी द न्यू चैंपियन ओवर हियर। नहीं, नया चैंपियन। ओके, बेकी लिंच ने यहाँ पर किक आउट कर दिया है। ओके, रिया रिप्ली यहाँ पर रिटेन करने के बहुत सामने थी, पर नहीं, यहाँ पर रिवर्स पिन भी काम नहीं आया। बेकी लिंच गई कॉर्नर में, पर बेकी लिंच ने यहाँ पर रिवर्स कर दिया, रिया रिप्ली को डाल दिया, पर रिया रिप्ली ने इस बार रिवर्स कर दिया। रिवर्सल पर रिवर्सल हो रहा है गाइस इस मैच में। मैं कह नहीं सकता कि ये मैच किस लेवल पर जा रही है, बट मज़ा बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट आई गेस ये एंड होने वाला है। बेकी लिंच का रिप टाइड दे दिया है मिडल ऑफ द रिंग पिन करने के लिए। क्या हमें नए चैंपियन देखने मिलने वाली है? नहीं, रिया रिप्ली रिटेन्स द रॉ वुमेन्स चैंपियन। बेकी लिंच ने अपनी पूरी जान दे दी थी यार, अब तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बावजूद भी वो रिया रिप्ली को हरा नहीं पाई। रिया रिप्ली ने यहाँ पर एक अमेजिंग मैच दे दिया है हमको, एंड शी इज स्टिल आवर रॉ वुमेन्स चैंपियन। इसे कहते हैं रियल चैंपियन। और एले नाइट ने पैसे दे दिए, मैं ये मैच सिमुलेट करने वाला हूँ। आई डोंट वांट टू सी दिस। होपफुली, हाँ ऑब्वियसली गंतर तो रिटेन करने ही वाला है ना, मतलब लेजेंडरी मैच। ओके, अगर तुमने नोटिस नहीं किया है तो अभी के अभी 5 एपिसोड हो चुके हैं, तो 5 एपिसोड में गंतर ने हमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटेड मैच दिए हैं। यानी कि यू टॉक अबाउट 5 स्टार्स, 4 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, ये सारे मैच गंतर ने ही डिलीवर किए हैं। तो तुम सोच सकते हो गंतर किस लेवल का टैलेंट है यार, हम उसको जाने दे नहीं सकते। एंड इसी के साथ हमारा जो सीज़न 1 है वो ख़त्म हो चुका है, और शायद से हम जीत चुके हैं इसको। होपफुली देखते हैं यार, हमारा शो बहुत अमेजिंग था, बहुत अमेजिंग रेसलमेनिया था यार वो। ओके, हमें कोस्ट टू कोस्ट मिल चुका है यहाँ पर, अच्छी बात है। एंड वी आर स्टिल नंबर 1। हम फैंस के मामले में थोड़े से पीछे हैं, बट नहीं, फैंस के मामले में भी बहुत आगे है यार। हम नंबर 1 ट्रूली है। सिर्फ पैसे नहीं है हमारे पास, पर ट्रॉफीज और फैंस दोनों ही हमारे पास ज़्यादा है बाकी लोगों से। पर WCW बहुत ही हमारे पीछे है, यानी कि बहुत पीछे नहीं, दे कैन एक्चुअली टेक अस ओवर इन एक या दो शोज़ में। हमें स्लैमी अवार्ड्स मिल चुके हैं, मोस्ट स्पेशलिस्ट सुपरस्टार्स ऑन देयर रोस्टर। ओके, एडम पियर्स को भी मिल चुका है मोस्ट इंजरीज इन अ सीजन, और ब्रॉलर्स, ओके, मोस्ट ट्रिपल थ्रेट्स एंड फेटल 4 मैचेस, ओके, कर्ट एंगल को मिल चुका है, तो अच्छी बात है, यानी कि सबको अपने अपने हिसाब से मिल चुका है। स्टेफनी मैकमैन, ओके, हम मिल चुके हैं हाईएस्ट टोटल प्रॉफिट्स, मोस्ट अवेलेबल राइवलरीज कंप्लीटेड, और मोस्ट न्यू फैंस। ओके, ये सारे अवार्ड्स हमें मिल चुके हैं। WCW को क्या मिला है? बेस्ट मैच कार्ड क्वालिटी, ओके, और बेस्ट एवरेज शो क्वालिटी स्मैकडाउन को मिल चुका है, और हाईएस्ट एवरेज शो क्वालिटी ड्यूरिंग पेपर व्यूज NXT को मिल चुका है। ओके, मोस्ट मैचेस वन जॉन सीना, हाईएस्ट एवरेज मैच रेटिंग गंतर, मोस्ट पॉपुलैरिटी गेंड ये अपना चैड गेबल, मोस्ट मैचेस बुक जीजी डोलन, और मोस्ट वीक्स स्पेंट इंजर्ड कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स पे ये बहुत सूट करता है यार, मतलब रियल में भी वो सबसे ज़्यादा 8 महीने इंजर्ड था, पर इस बार 4 हफ्ते यहाँ पर इंजर्ड था। ओके, और ये स्मैकडाउन के टॉप सुपरस्टार्स है, और मोस्ट मैचेस वन एज, आई एम नॉट इवन सरप्राइज्ड ओवर देयर। ओके भाई, और हमारा सुपरस्टार जो सबसे ज़्यादा मैचेस जीता है वो जॉन सीना है, और मुझे कहो कि ये तुम्हें सरप्राइजिंग नहीं लगता, क्योंकि ऑब्वियसली जॉन सीना है वो। अगर वो रियल लाइफ हो या फिर ये गेम में हो, मोस्ट विंस तो उसको ही जीतने हैं, और इट्स टाइम टू रिटेन आ सुपरस्टार्स। तो एक नया ड्राफ्ट होने वाला है, पर उससे पहले हमें कुछ सुपरस्टार्स को रिटेन करने का मौका मिलता है। हम 3 सुपरस्टार्स को यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं, तो लेट्स सी हम किस किस को यहाँ पर रिटेन कर पाएंगे। पहले तो गंतर को तो मैं रिटेन करूँगा, इसके बाद वी एक्चुअली नीड कोडी रोड्स, तो कोडी रोड्स को हम रिटेन करेंगे, और मॉमी को हम रिटेन करेंगे, बाकी लोगों को हमें जाने देना होगा अनफॉर्चुनेटली। आई एक्चुअली वॉन्ट सेथ रॉलिंस, मुझे एले नाइट चाहिए, बेकी लिंच की ज़रूरत नहीं है, उसकी राइवलरी कंप्लीट हो चुकी है। बट मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मौका है और भी सुपरस्टार्स को ड्राफ्ट करने का, तो मेरे ख्याल से मैं इन 3 सुपरस्टार्स के साथ जाऊँगा, और बाकी नया रोस्टर दिखते हैं यार कैसा होगा, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, इतना तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि भाई गंतर इज़ आ डोमिनेंट चैम्पियन, कोडी रोड्स तो ऑब्वियसली हमें चाहिए ही चाहिए, और रिया रिप्ली इज़ आ डोमिनेंट रॉ वुमेन्स चैम्पियन, तो ये 3 हमारे सुपरस्टार्स हैं जिनको हम एक्चुअली
यू नो रिटेन करने वाले हैं और हमारे पास सभी नए सुपरस्टार्स ड्राफ्ट करने का मौका आ जाएगा। और भाई मुझे सिर्फ 3 सुपरस्टार्स क्यों मिले, बाकी लोगों ने तो देखो 5 सुपरस्टार्स रिटेन किए, ये क्या है। और डू ड्रॉप की पॉपुलैरिटी 100 है, बेली की पॉपुलैरिटी 100 है, भाई NXT कौन से नशे कर रहा है यहाँ पर। ओके हमारा हाईएस्ट रेटेड सुपरस्टार भी 1993 तक ही पहुँच गया था, इनके तो 100 पे पहुँच गए भाई, दैट इज़ अमेजिंग यार। तो रॉ का पहला सुपरस्टार यानी कि नया सुपरस्टार होगा AJ फ्रीकिंग स्टाइल्स, यानी कि AJ स्टाइल्स को पिछली बार मैं बुक करने वाला था पर अनफॉर्चुनेटली मुझे AJ स्टाइल्स मिला नहीं, सो वी आर गोइंग टू ड्राफ्ट AJ स्टाइल्स और इसके बाद देखते हैं हम किसको ड्राफ्ट करें। तो लेट्स सी, कमांडर अजीज स्मैकडाउन पर गया है, इट्स टाइम फॉर आर ड्राफ्ट। देखते यार बेकी लिंच नहीं चाहिए मुझे, किसको ड्राफ्ट करूँ, लेट्स गो विद बियांका बेलर या फिर लेट्स सी वुमेंस में, क्योंकि वी नीड दी वुमेन, वी नीड गर्ल्स, हमको लड़की जात की ज़रूरत है एक्चुअली। ओके शार्लेट फेयर को हम बुक कर सकते हैं यार, स्पेशलिस्ट है तो दैट कुड बी अ गुड ड्राइवलरी। बियांका बेलर एक ब्रूजर है, मैं जोई स्टार्क भी अच्छी है यार, मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेट्स गो विथ शार्लेट फ्लेयर या यहाँ पर आस्का के साथ जा सकता हूँ क्योंकि शी इज़ अ फाइटर। ओके आस्का को ही ले लेते और ये एक्चुअली बहुत टफ है, यानी कि जितना मैंने सोचा था सीजन के एंड में मैं ड्राफ्ट करूँगा अच्छे अच्छे सुपरस्टार्स को, बट इट्स एक्चुअली टफ क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा सामना 1-2 नहीं बल्कि 4-3 ब्रांड्स के साथ हो रहा है, तो सुपरस्टार्स की कमी काफ़ी है। रे मिस्टीरियो को हम ले सकते हैं, गंतर वर्सेज रे मिस्टीरियो साउंड्स गुड, पर फिन बैलर भी है यहाँ पर, फिन बैलर वर्सेज कोडी रोड्स हम कर सकते हैं, सो लेट्स गो विद फिन बैलर। और यहाँ पर NXT ने फिर एक बार डॉब जिगलर मेरे नसीब में है ही नहीं यार। ओके शार्लेट गई WCW में, स्मैकडाउन ने लिया डैना ब्रुक को, ओके नाइस पिक, लेट्स गो फॉर रे मिस्टीरियो क्योंकि हमें लेजेंड्स की भी थोड़ी बहुत ज़रूरत है। ओके पिछली बार हमने कुछ ज़्यादा ही लेजेंड्स ले लिए थे, जॉन सीना रैंडी ऑर्टन एक्सेट्रा बहुत थे हमारे पास, पर हमारा रोस्टर अभी भी काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जॉनी गार्गानो स्मैकडाउन पर, शिंस्के नाकामुरा या फिर बेकी लिंच, किसको लूं, रोमन रेंस अवेलेबल है, एक काम करता हूँ मैं पहले क्या करूँ लोगन पॉल भी है यहाँ पर, निक्की एज भी है पर वी डोंट नीड निक्की एज, ड्रू मैकेंटायर ले लेता हूँ या फिर शिंस्के नाकामुरा लूँ या फिर रोमन रेंस लूँ, इट्स एक्चुअली वेरी हार्ड, पता नहीं यार मैं क्या करूँ, दिस इज एक्चुअली हार्ड। ये फाइटर है और मेरे पास ब्रूजर तो नहीं है एक भी, पर मेरे पास स्पेशलिस्ट है, हम शिंस्के नाकामुरा को हील टर्न करवा सकते हैं, इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट यार, मतलब दिखने में ये इजी है, ला, ला, क्या करूँ, ड्रू मैकेंटायर, लेट्स गो फॉर ड्रू मैकेंटायर वर्सेस फिन बैलर, ये हम कर सकते हैं, एक मतलब हमें एक हफ्ता रुकने की ज़रूरत नहीं है यार, मैं क्या करूँ। और शिंस्के नाकामुरा फाइटर क्यों है, ही हैज़ टू बी अ स्पेशलिस्ट, बट लेट्स गो विद शिंस्के नाकामुरा, बस ड्रू मैकेंटायर और रोमन रेंस मत ले लेना यार। ओके लोगन पॉल WCW में, नो प्रॉब्लम नहीं यार मेरे को ड्रू मैकेंटायर चाहिए, अरे यार मेरे को रोमन ले लेना चाहिए था, मुझे लगा कोई नहीं लेगा उसको, पर आई वॉज सो रॉन्ग, मतलब स्मैकडाउन पर रोमन रेंज मतलब वो तो गिवन है यार, कम ऑन मेरी अकल किधर गई थी, शिट। एक मिनट, बॉबी भैया को ले सकते हैं यार, बॉबी भाई वर्सेस नाकामुरा साउंड्स गुड, नाकामुरा एक्चुअली वेरी वेरी गुड मैच। ओके ड्रू वर्सेस फिन हम कर सकते हैं, गंतर वर्सेस रे मिस्टीरियो हम कर सकते हैं, AJ स्टाइल्स वर्सेस कोई भी कर सकते हैं हम, लिटरली कोई भी कर सकते हैं, सो भाई बॉबी को ले क्या, बॉबी एक्चुअली साउंड्स गुड यार, बॉबी लैशली ऑन रॉ मतलब मज़े आ जाएंगे, सो लेट्स गो विद बॉबी फ्रीकिंग लैशली। फॉर्मर WWE चैम्पियन NXT ने उमास ले लिया, बेकी लिंच को कोई ले रहा क्यों नहीं है, आई डोंट नो। ओके बेकी लिंच इज लाइक किसी को चाहिए ही नहीं यार, बेकी लिंच इतनी बड़ी टैलेंट है वहाँ पर कोई लेना नहीं चाहता। डेमियन प्रीस्ट मैं ले सकता हूँ, हमारे पास जजमेंट डे हो जाएगा यार यहाँ पर, फिन और डेमियन टैग टीम के लिए कोई ना कोई तो बच जाएगा, बट वी एक्चुअली नीड वुमेंस मतलब लेडीज़ की ज़रूरत है हमको, क्योंकि मेन हमारे पास बहुत है, लेडीज़ हमारे पास सिर्फ 2 ही है, तो वुमेंस टैग टीम के लिए भी हमें कोई ना कोई चाहिए, सो कोरा जेड वापस आ जाओ यार रॉ पर, वी नीड यू फॉर दी टैग टीम बेल्ट। और अगर यू नो ये अपनी शार्लेट अगर इसको हरा नहीं पाई थी या रिप्ली को,
हमारे पास शार्लेट है नहीं, आस्का, आस्का अगर हरा नहीं पाई तो हम कोरा जेड को वहाँ पर ढकेल सकते हैं। निकिता लायंस साउंड्स गुड, शी इज एक्चुअली अ बिग गर्ल, आई मीन शी इज बिग ना, मतलब ये तुम गलत नज़र से मत देखो, मतलब मैं उसके हाइट और बॉडी की बात नहीं, यार गलत हो गया। ओके, स्मैकडाउन ने अपना ड्राफ्ट किया, बहुत ओके रोस्टर है उनका। ओके अलिया हम ले सकते हैं फिर एक बार। भाई मैं बहुत सारे पुराने सुपरस्टार्स को वापस ले चुका हूँ, पर इस बार हमारे पास नाकामुरा, एजे स्टाइल्स, रे मिस्टीरियो है और एनएक्सटी के पास अभी भी आरवीडी है। ओके टमीना ले लिया है डब्ल्यूसीडब्ल्यू ने। ओके अभी मैं क्या लूँ, वी नीड वन मोर लेडी कि हम मेंस की ओर भी जाए, क्योंकि हमें मेंस टैग टीम भी बिल्ड करनी है। इस बार एक ऑफिशियल टैग टीम ले लेते हैं, यार पिछली बार तो मैं किसी को भी डालते जा रहा था, पर इस बार लेट्स गो फॉर एन ऑफिशियल टैग टीम। पर ऑफिशियल टैग टीम के लिए लोग ही नहीं है यहाँ पर, मतलब हम्बर्टो और एंजल है, तो हमारे पास वो एक ऑफिशियल टैग टीम यहाँ पर हो सकती है। मेरे पास और कुछ नहीं है यार, आस्का तो जाएगी इसके साथ, निकिता और कोरा जेड को एक टैग टीम में डाल दूंगा, वर्सेस अलिया और कोई ना कोई तो मैं बाद में फ्री एजेंट्स में से किसी को खरीद लूँगा। बट यार किसको लूँ मैं, टाइलर बेट नहीं, एक काम करते हैं। अरे यार मेरा दिमाग इस टाइम चलता नहीं है यार, बहुत डिफ़िकल्ट है ये, बहुत डिफ़िकल्ट है। पर चलो एंजल भैया तुम आ जाओ, आ जाओ अब प्लीज़, कोई हुम्बर्टो कर्लियो को मत लो। ओके WCW का रोस्टर भी अच्छा लग रहा है, नाउ इट्स टाइम फॉर हुम्बर्टो। हुम्बर्टो भैया तुम भी आ जाओ हमारे पास, एक ऑफिशियल टैग टीम तो हो गया, चलो उसका टेंशन नहीं है। और सेकंड टैग टीम के लिए तो हम फ्री एजेंट्स में से किसी ना किसी को तो रख सकते हैं। एंड हाउ रोस्टर एक्चुअली लुक्स गुड मैन, बहुत बढ़िया रोस्टर लग रहा है ये, मतलब तुम बता ना अपने ओपिनियंस कैसा है, क्योंकि तुमने कहा था ड्रू मैकइंटायर ले लो, मैंने ड्रू मैकइंटायर ले लिया। मुझे रोमन रेंस चाहिए था, मैंने सोचा मैं रोमन रेंस ले लूँगा, पर यार स्मैकडाउन ने बाजी मारली, सो दैट्स अ लिटिल सैड। बट हमारा रोस्टर एक्चुअली बहुत बढ़िया है, मुझे अभी भी फीलिंग आ रही है कि हम इस सेकेंड सीजन को भी जीत सकते हैं, डोमिनेंट बन सकते हैं। तो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि क्या होगा यार, क्योंकि रेसलमेनिया बैकलैश का समय आ चुका है और ट्रिपल एच यहाँ पर हमें फालतू एडवाइस दे रहा है। बट हम रैंक नंबर वन करें और फैंस तो बहुत ज़्यादा हमने गेन किया है इस बार, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। हम एक्चुअली मैकमैन प्रेजेंस की कार्ड यूज़ कर सकते हैं अगले शो के टाइम, जिससे हमारी रेवेन्यू जो है वो डबल हो जाएगी और हम अच्छे खासे राइवलरीज को बिल्ड कर सकते हैं। तो वो सोचने में मुझे थोड़ा टाइम जाएगा कि मैं किस किस के साथ किस किस की मैच करूँगा। तो सबसे पहले तो गंतर वर्सेस रेमी स्टीडियो तो हम कर ही लेंगे, सो दैट्स मतलब वो तो करना ही है। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर को किसके साथ मैच में डालना है ये सब भी हमें देखना है, सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। पर हमारी रोस्टर जो है ये देखो, यहाँ पर हमारे पास टोटल 15 सुपरस्टार्स है शायद से, बट इट एक्चुअली लुक्स गुड, यानी कि मतलब टैलेंट भर भर के है यहाँ पर, वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि कोडी वर्सेस मैं इसी के साथ भी कर सकता हूँ, कोडी वर्सेस बॉबी कर सकता हूँ, ड्रू वर्सेस यू नो फिन बैलर कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ यार, सो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। तो यार सीजन वन का एंड हो चुका है, तुम्हारे ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बता देना, सब्सक्राइब करो चैनल को, तब तक के लिए बस बाय बाय।